नशा कारोबारी से वसूली करने पहुंचे आरक्षक को पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने निलंबित कर दिया है। दरअसल आरक्षक का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने निलंबन की कार्रवाई कर जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक अमित सिंह सिटी कोतवाली थाने के धोबिया टंकी में नशा कारोबारियों के यहाँ अवैध वसूली करने गए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसको विराट 24 ने प्राथमिकता से दिखाया था। मामले को संज्ञान में आने के बाद एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि उक्त आरक्षक रक्षित केंद्र में पदस्थ होने के बाद भी कोतवाली थाना क्षेत्र में वसूली कर रहा था। आपको यह भी बता दें कि कई ऐसे वसूलीबाज आरक्षक हैं जिन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन वर्दी पहनकर विभिन्न थाना क्षेत्र में वसूली करते हैं। कई आरक्षक तो सिविल ड्रेस में चौराहा से रतहरा बाईपास में वसूली करते देखे जाते हैं और यह निलंबित या लाइन अटैच होने के बावजूद भी धड़ल्ले से वसूली कर रहे हैं, जिसमें अमित सिंह है तो मात्र एक बानगी है। आपको अपने आप को लाइन हाजिर होने पर वसूली बाज सुरक्षित मानते हैं, इन्हें कोई काम ही नहीं बचता, या तो जेल से कैदियों को कोर्ट ले जाना या फिर इसके बाद फुर्सत पर्याप्त समय में अपनी वसूली को समय देते हैं। मैं फिर नकुआ से चोट मारो फिर नकुआ तो गिर गए। बहुत दिन बाद देखा ना, एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट नहीं, बाहर काट दी, सांप काट दी अपना का हो फिर का कैसा हुआ वो? ये फिर वो रिव्यूज हो गया, काला वाला सांप काट दी तो पुराना सांप है। तो 17 सितंबर के खाई के हो गया, हम लगातार एडमिटे हुए हैं भोपाल गए यहाँ हुआ सब हो गया, सबको देखी थे। कल मनीष उपाध्याय भतीजी आए, हम भतीजी आए बिछिया बिछिया हमारे ज्वाइन के नहीं, आज हम सबके आपन बहुत खास आए देख रहे हैं। देख रहा ना मौकम चौकम आ रहे ठीक है ना। मनीषा मैडम से हमार का एक संबंध का एक काम है, गगरी कगे चौकी में जब रही हैं तो कई एक काम करवाने। वो बहुत नेचर और बहुत अच्छी है वो। का भैया अपने के बुलान तो फोन करके तो आन नहीं, फिर हम बुला रहे हैं तो हमारे लगे आ नहीं रहे 10 कदम में। रघुनाथपुर चला की थी कहीं मुझन की कहा अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं दी। अरे ऐसा नहीं है अभी हम कहेंगे सिफारिश लगावे पड़ी का सिपाही मैडम का। भुवनेश्वरी जी तो खूब घोंस लेके निकल गयी, अब भतीजी आएगा मनीषा उपाध्याय बढ़िया नहीं वो सब पता है, लेकिन उनसे बेटर रही उनसे देख लेती है, देखिए काम करती है, नहीं लेती तो सीधे वापस दे देती है। एक मतलब लक्ष्मणपुर में ये कुआ मुखबिर है पुलिस वाला कि मैडम के सर के एसआई के टीआई के जाके पहले फोन कर देते कि आज बंद कह रहे आ वल्ला है हर थाना में काजू 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 एक थाना में हमको पता है काजू, लेकिन हम जनता कहा है ऐसे पूछ रही थी कहा आपन आदमी तो नहीं पस रहे काजू है तब हम करी शेखर का हम बहुत अच्छी तरह जाने। अरे अभी मैडम वाली बवाल माँ का भरा गड्डी रोड से ही छमाल से मैडम के ट्रांसफर हम कर रहा हूँ कहा अभी हमको पिछले महीने तो कोई याद होगी हमारे घर से कम्प्लेन हो गई रही हमका भुवनेश्वरी मैडम बोली नहीं इसको बिठाए रखो हमका मूरी भाजी है कम बैठाए लगानी एसपी का फोन एसपी 3 दिन कर रहा है वीडियो में कहा क्या घटना सर ये कौन पुलिसकर्मी है? एक वीडियो आज वायरल हो रहा है विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से उसकी जानकारी मिली और जिसमें जब तस्दीकी की गई तो ये पता चला कि ये अमित सिंह नाम का एक आरक्षक है जो कि पुलिस लाइन में पदस्थ है। अभी घटना दिनांक वो सहची नहीं क्लियर है, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं वो संदिग्ध हैं, लेन देन उसमें होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी परिस्थितियाँ क्योंकि जो जगह है वो वहाँ से एक NDPS आरोपी को गिरफ्तार किया गया था उस घर से, तो इस प्रकार से जो परिस्थितियाँ सारी निर्मित हुई हैं उसके आधार पर उस आरक्षक अमित सिंह को अभी सस्पेंड किया गया है और
जो CSP शिवाली चतुर्वेदी हैं उनको जांच की जा रही दिया गया है। जैसा जांच में पाया गया है वो हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर लगातार देखा जाता है कि पुलिस कर्मी कभी डिमांड करते हैं, कभी पैसे दे पहुंच जाते हैं, कुछ वार्तालाप का कई बार ऑडियो वीडियो सामने आते हैं, इन्हें क्या हिदायत देंगे आप? सभी को हिदायत है और सभी नागरिकों को भी हिदायत है कि किसी कार्य के लिए जो निश्चित है उसमें कोई पैसे के लेन देन ना करें। कोई अगर पुलिसकर्मी करता है तो उसमें मेरे पास जानकारी दें और उसके खिलाफ तत्संबंध में कार्रवाई की जाएगी, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। और सभी पुलिसकर्मी को लगातार इस तरह की हिदायत और चेतावनी भी दी गई कि कोई ऐसा कृत्य करते पाया जाएगा जो संदिग्ध है या तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।